अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर में विराजमान होने वाली भगवान श्री राम की बाल स्वरूप मूर्ति को लेकर अहम जानकारी दी है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि भगवान श्री राम की जो मूर्ति बनी है वह 5 साल के बालक का स्वरूप है। ये मूर्ति 51 इंच की है और काले पत्थर की है जो बहुत ही आकर्षक बनी है। चंपत राय ने साफ किया कि जो मूर्ति श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होगी वह श्यामल रंग की होगी। 3 मूर्तिकारों ने अलग अलग पत्थर से मूर्ति बनाई है और 1 मूर्ति को स्वीकार कर लिया गया है। सभी मूर्ति हमारे पास रहेंगी, सभी ने तन्मयता से काम किया है और सभी का सम्मान होगा। मूर्ति की पूजा विधि 16 जनवरी से शुरू होगी। चंपत राय ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। भगवान विष्णु का अवतार, तो 5 वर्ष के बालक में बालकपन, राजा का पुत्र और देवत्व तीनों चाहिए। ऐसी मूर्ति पत्थर की बनी है, पत्थर काला है, बहुत आकर्षक बनी है मूर्ति। तो वो अभी 5 वर्ष का बालक है, 4 फीट 3 इंच की प्रतिमा है, कुल 51 इंच। उसकी प्रतिष्ठा की जाएगी 22 तारीख को और ये सब राम जी के उस कृत्रिम पिता को भेंट है। हाँ, 5 वर्ष की को जानकी कहाँ से आएगी? 11 साल की उम्र में, 10 या 11 साल की उम्र में विश्वामित्र ऋषि आए हैं, तब उनको मांग कर ले गए। यहाँ जो प्रतिमा है 5 वर्ष का अकेला बालक, लेकिन ये है भूमि पर, ऊपर की जो मंजिल है वहाँ जानकी जी रहेंगे, वहाँ तीनों भाई रहेंगे, हनुमान जी रहेंगे। उसको थोड़ा 6-8 महीने और लगे। रुक जाइए, वहीं बैठ गए। बता दें कि हाल ही में राम मंदिर के मुख्य द्वार पर हाथी, शेरों, भगवान हनुमान और गरुड़ की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। ये मूर्तियां राजस्थान के बंसी पहाड़पुर क्षेत्र से प्राप्त बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाई गई हैं। अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर पारंपरिक नागर शैली में निर्मित है और मंदिर परिसर 380 फीट लंबा, पूर्व पश्चिम दिशा 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊँचा होगा। मंदिर की प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊँची होगी और इसमें कुल 392 खंभे और 44 द्वार होंगे। इस मंदिर को लेकर चंपत राय ने कहा था कि मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से और निकास दक्षिण दिशा से होगा। संपूर्ण मंदिर अधिरचना अंततः 3 मंजिला होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।